सलमान खान सर की अपकमिंग मूवी किसी का भाई किसी की जान मूवी का ट्रेलर 10 अप्रैल को आने वाला है और इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन हिमेश मानकर ने जरूर कर दी है। हालांकि एसकेएफ ने अभी तक जो है इस पर कोई अपडेट नहीं दी, कोई पोस्टर वगैरह नहीं रिलीज किया है। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता क्या है कि कोई भी बंदा अगर 30 सेकंड के अंदर आपको वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट पहले ही दे दे बातों को ना घुमाए तो तुम्हारा भी कर्तव्य प्रतिष्ठा और निष्ठा होनी चाहिए कि भाई लौंडे के चैनल को सब्सक्राइब करना है। खैर यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक ये है कि इस मूवी का जो प्रमोशन की पूरी स्ट्रेटेजी रखी गई है वो एज आप सबको पता है कि इस मूवी में बहुत ज्यादा साउथ इंडियन कल्चर को फॉलो किया गया है एंड ये इसके प्रमोशंस में भी दिखती है। विच मींस अगर आप एक चीज कंसीडर करो तो हमारे हिंदी सिनेमा का या फिर हिंदी के प्रोड्यूसर्स का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि 1 महीने पहले टीजर या फिर 2 महीने पहले टीजर एंड 1 महीने पहले ट्रेलर, उसके बाद फिर गानों के साथ ही मूवी के बारे में जो है प्रमोशन किया जाता है एंड ग्राउंड लेवल पर पोस्टर वगैरह। लेकिन इस काम को अगर आप साउथ इंडिया की तरफ देखोगे जाकर तो थोड़ा दूसरी तरह से वो लोग करते हैं। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं केजीएफ चैप्टर 2 का। टीजर को करीब करीब 1 साल पहले रिलीज किया गया था, हालांकि उस टाइम पर कोविड की वजह से वो मूवी पोस्टपोन हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है ट्रेलर उस मूवी का जो है 10 से 15 दिन पहले आया था एंड उस मूवी का जो प्रमोशन था उसके लिए सबसे पहले उन्होंने गानों को हायर किया, ढेर सारे पोस्टर्स रिलीज किए। ट्रेलर 15 दिन पहले आया तो वो इतनी ताजा वाली वाइब्स बनी रही कि मूवी का बज हमको दोबारा से बनाना ही नहीं पड़ा। हिंदी में ये चीज अपोजिट होती है क्योंकि ट्रेलर 1 महीने पहले आया तो हालांकि बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं, मतलब अगर कोई भी बंदा सलमान खान सर का फैन नहीं है या फिर किसी भी एक्टर का एक न्यूट्रल ऑडियंस है तो उसे याद दिलाना पड़ेगा कि 1 महीने पहले मूवी का ट्रेलर आया था एंड बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर ट्रेलर 10 से 12 दिन पहले रिलीज किया जाता है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है और हाल ही में हमने जो है पठान मूवी के साथ भी ये देखा है कि मूवी का जो बज है वो ट्रेलर रिलीज होने के बाद ठंडा हुआ ही नहीं, विच मीन्स उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ट्रेलर को रिलीज किया एंड उसके 2-4 दिन बाद जो है एडवांस बुकिंग खोल दी और पब्लिक ने भर भर के उस मूवी को प्यार दिया है। ये मूवी भी सेम अपना वही साइज से पैटर्न फॉलो करने वाली है एंड अगर ये भी एक सक्सेसफुल मूवी साबित होती है विच मीन्स हमारे हिंदी के अंदर जो है एक रिवोल्यूशन होगा प्रमोशन के मामलों में, मतलब आने वाले टाइम पर आपको जो टीजर से हुए या फिर जो पोस्टर वगैरह हैं वो मूवी के बहुत पहले देखने को मिलेंगे 3 से 4 महीने पहले, लेकिन ट्रेलर आपको 10 से 15 दिन वाला ही स्कीम के साथ देखने को मिलेगा। खैर इस मूवी के बारे में इतनी बातें हो गई तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग जो है 16 अप्रैल से चालू होने वाली है, विच मीन्स ट्रेलर रिलीज होने के 5 दिन बाद ही मूवी की एडवांस बुकिंग भी खोल दी जाएगी और इसके पास जो है 5 से 6 दिन का टाइम रहेगा, 5 दिन के अंदर जितना भी इसको एडवांस बुकिंग में कलेक्शन करना होगा। मतलब कि बोले तो ये वो जो प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है इसके अंदर बज जो है कहीं कम होता ही नहीं है। और वैसे भी सलमान खान सर की मूवीज में बज तो हमेशा बना ही रहता है, बट किसी को भी याद दिलाना नहीं पड़ेगा, कल तुम 4-5 दिन पहले ट्रेलर देख के आओगे, 6 दिन पहले एडवांस बुकिंग बाद में खुल जाएगी एंड तुम एडवांस बुकिंग में टिकट बुक करो अगर तुम्हें मूवी का ट्रेलर पसंद आता है तो, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इस प्रमोशनल स्ट्रेटेजी से कई सारे लोगों ने एसकेएफ को जो है बहुत ही बड़ा बुरा सुनाया कि भाई ये कैसी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है, तुमको पोस्टर डालने चाहिए, गाने डालने चाहिए, मूवी का बस ठंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एसकेएफ की तरफ देखो तो उन लोगों ने अपने प्रमोशंस में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब से ट्रेलर रिलीज अनाउंस हुई है तब से ये मूवी तो ट्रेंडिंग पे है ही ट्विटर के अंदर, लेकिन अगर तुम ग्राउंड लेवल पर देखोगे जाके, उस दिन मैंने आपको बताया था कि ढेर सारे सिनेमा घरों के बाहर या फिर यूं कह ले आमतौर पर बड़ी बड़ी सिटीज में इस मूवी के बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स हमको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग हो तो आप बता सकते हो कि आपके यहाँ लगे या नहीं। तो इस तरह से मूवी का प्रमोशन एसकेएफ ने ग्राउंड लेवल पर काफी तगड़े लेवल पर रखा है एंड सलमान खान सर का फोटो छपा तो पब्लिक आकर्षित होती हो ही जाती है। और वैसे भी ईद का मौका है तो लोगों को पता ही होता है ऑलरेडी कि हाँ सलमान खान सर की कोई पिक्चर आने वाली है, क्योंकि हर ईद पे तो वो मूवी लेके आते हैं। विच मीन्स मूवी के प्रमोशन के मामले में जो भी लोग एसकेएफ को ढीला बता रहे थे वो बस एक नई स्ट्रेटजी थी उनकी, उनके मेकर्स की, वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जैसा कि पठान ने किया था, ना कि वो लोग लापरवाह हैं। अब इसका फायदा होता है नुकसान ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर ट्रेलर क्लिक करता है, एक नॉर्मल सा भी ट्रेलर हुआ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने वाला ना हुआ, तब भी मूवी अपना काम करके दिखा देगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जिस तरह से इसका प्रोडक्ट आया है, चाहे वो गाना हो जाए या फिर टीजर हो जाए, अगर तुम एक सिंपल से नॉर्मल गाय की तरह देखो, विच मीन्स एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह, इंटेलेक्चुअल ना बनो, ज्ञान ना देना हो सलमान खान सर के बारे में, तो ये टीजर काफी बेटर लग रहा था एज ए फैमिली इंटरटेनमेंट वाइज। मूवी के अंदर भारी भरकम जो है डायलॉग्स, बीजीएम, हर वो चीज आपको कड़क लेवल पर मिल ही रही है। एंड वैसे भी फराह सामजी को जितना हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उतना साज से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदे को सलमान खान सर का साथ मिला है, विच मीन्स इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है किसी बंदे को तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाने में कसर नहीं छोड़ेगा। अब पब्लिक को चीज़
पसंद आती है या नहीं आती है तो आने वाला टाइम ही बताएगा। खैर तुम इसके ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटेड हो, इस प्रमोशनल स्ट्रेटजी के बारे में तुम्हें क्या कहना है ये भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और सबसे बड़ी बात यार, ये सारी चीजें बताने के बाद तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, मजा आता है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।